अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने के लिए सरकार की ओर से उद्योग धंधों को चलाने के लिए हरी झंडी दे दी गई है, लेकिन फरुखाबाद का प्रमुख जरदोजी और छपाई उद्योग सन्नाटे में है। लॉकडाउन में छूट मिलने पर उद्योग के लिए कारीगर तो मिल रहे हैं, लेकिन कच्चे माल की कमी से छपाई उद्योग पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। दरअसल परिवहन सेवा बंद होने के कारण ना तो कच्चा माल आ पा रहा है और ना ही यहाँ से उत्पादों की देश विदेश में आपूर्ति की जा पा रही है। फरुखाबाद के जरदोजी और कपड़ा छपाई कारखानों में करीब 25,000 से अधिक लोग काम करते थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इन कारीगरों के सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई। लॉकडाउन के दौरान क्या है कि सर कुछ अपने पास से और कुछ कंपनी से पैसा एडवांस भी लेते हो, कुछ साथ उनको सहयोग किया है, उसके द्वारा अपना खर्चा चला रहे थे, कारीगरों को भी वही पैसा दिया गया था। अब फैक्ट्री खुल गई है, अब क्या आसार लग रहे हैं आपको? अब फैक्ट्री क्या है सर, ये 4 तारीख से फैक्ट्री खुली है और खाली 33% के हिसाब से हम कारीगर बुला सकते हैं अपने, तो बस अब चल रहा है, आगे देखते हैं काम कैसे, क्या पोजीशन होती है, माल आता है तो चलेगा, काम चलेगा। फिर क्या उम्मीद लग रही सर आपको, आगे ये महामारी आ गई है तो आपको क्या लगता है सर इसमें कितनी नुकसान आम नागरिकों का हुआ? देखिए नुकसान की तो आकलन करना सही तरीके से अभी आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन महामारी में नुकसान तो ज़बरदस्त हुआ है, परेशानियाँ भी आई धंधे पर, खाने पीने की भी लोगों को दिक्कत हुई है थोड़ी बहुत, और आगे काम चलने की उम्मीद है तो सब सही होगा। हालांकि जिला प्रशासन ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की NOC प्राप्त 7 कपड़ा छपाई कारखाने खोलने की अनुमति दी, पर कारखाना मालिक करीब 35% लोगों को ही बुला रहे हैं। मालिकों का कहना है कि उनके पास ऑर्डर ही नहीं है, जिसकी वजह से उनके सामने भी बड़ा संकट खड़ा हो गया। अब वही दिक्कतें आ रही हैं कि हम लोगों का ना माल आ पा रहा है ना जा पा रहा है, बस यही दिक्कतें आ रही हैं। सर उद्योग ये कब तक आपके पास माल है जो स्टॉक में चल सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 दिन। तो आप जो पुराना ऑर्डर है सर, वो पुराने ऑर्डर तो लगभग वो कैंसिल ही समझो, क्योंकि एक महीने से सब बंद ही हो गया, अब जब खुलेगा तब देखा जाएगा पार्टियां लेंगी कि नहीं लेंगी, क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी। सर माल आपका कहाँ कहाँ जाता है सर? अपना यहीं हमारे NDI में बिकता है। कहाँ का? अमृतसर हो गया, रोहतक हो गया, दिल्ली हो गया, तो और अपना बाराबंकी हो गया। सर इस तरह से तो काफ़ी नुकसान हो रहा आपके उद्योग को? नुकसान तो है ही, अब ये लॉकडाउन तो है ही। कच्चा माल नहीं आ पाने की वजह से जरदोजी और छपाई उद्योग को बड़ा नुकसान हो रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद कच्चा माल इन कारखानों तक पहुंचेगा और एक बार फिर जरदोजी और छपाई उद्योग अपनी पटरी पर लौट आएगा। पंजाब केसरी TV के लिए फरुखाबाद से दिलीप कटियार की रिपोर्ट।